रहने वाला है। शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी ने संभावित मंत्रियों को चाय पर बुलाया और इस बैठक में वो सारे सांसद मौजूद रहे जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी ने 100 दिन के रोडमैप पर चर्चा की है, साथ ही मंत्रियों को रोडमैप लागू करने का निर्देश भी दिया है। और इसके अलावा पीएम ने कहा है कि 5 साल का रोडमैप तैयार है, साथ ही उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने की का लक्ष्य की भी बात कही है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ 4 घंटे बाकी है। संभावित मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की, जेपी नड्डा, अमित शाह बैठक में शामिल हुए, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी इस दौरान मौजूद है। आज शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाली हैं। पीयूष गोयल, ललन सिंह, जीतन राम मांझी, नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन सांसदों को फोन आया है जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से सांसद, भागीरथ चौधरी अजमेर से सांसद, तो राजस्थान से 3 सांसदों को कॉल आया है। इन तीनों सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रहे हैं मोदी 2.0 में, और अर्जुन राम मेघवाल इन्हें भी केंद्रीय मंत्री का पद पहले से ही दिया गया है। मोदी 2.0 में केंद्रीय मंत्री रहे थे अर्जुन राम मेघवाल, इस बार फिर से उन पर भरोसा जताया है, इसीलिए उन्हें कॉल आया है। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से लगातार उस सीट पर जीतते आए हैं। सीआर पाटिल, मनसुख मांडविया भी इस बैठक में मौजूद रहे। मोदी 3.0 के शपथ समारोह में सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं। संभावित मंत्रियों के साथ पीएम ने बैठक की है, पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की गई। जेपी नड्डा रहे, अमित शाह रहे बैठक में, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी मौजूद रहे, सीआर पाटिल, मनसुख मांडविया इस दौरान मौजूद रहे, और राजस्थान से 3 सांसद बन सकते हैं मंत्री जिसमें अर्जुन राम मेघवाल का नाम है, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है क्योंकि इनको कॉल आई है, और अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी को भी कॉल आई है। और बैठक में पीएम ने 100 दिनों के एजेंडे पर चर्चा की है। राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस जा रही है सीएम, राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस जा रहे हैं सीएम। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं और क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है, बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मेहमान बुलाया गया है, तो ऐसे में सभी दिल्ली पहुंचे हैं और राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस इस वक्त सीएम जा रहे हैं, मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहने वाले हैं। तो आज तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, एक नया रिकॉर्ड प्रधानमंत्री के नाम बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। राष्ट्रपति शाम 7:15 पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह रहने वाला है राजभवन में, और जिसके लिए बेहद ही खास तैयारियां की गई हैं। और इससे पहले आज सुबह से ही राजधानी दिल्ली में काफी हलचल देखी गई है। पीएम मोदी सबसे पहले राजघाट गए, बाद में सरकार में संभावित मंत्रियों को पीएमओ की तरफ से कॉल आया जिन्हें पीएम आवास पर चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया। दिल्ली में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भी शामिल होंगे। के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई। उसके बाद साल 2019 और अब 2024, लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। पीएम मोदी की 2 बार के कार्यकाल में जहां बीजेपी ने प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाई, तो वहीं इस बार वो गठबंधन धर्म के साथ बंधे हुए हैं। शाम 7:15 पर पीएम मोदी की तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उससे पहले आज राजधानी दिल्ली में सुबह से ही हलचल देखी गई। पीएम मोदी के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी तीसरी बार ताजपोशी हो रही है।
शपथ ग्रहण का भव्य कार्यक्रम होने वाला है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। सबसे पहले मोदी राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि पर बापू को नमन किया। इसके बाद पीएम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल गए, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद पीएम मोदी इंडिया गेट पहुंचे, वॉर मेमोरियल में शहीदों को नमन किया। पीएम मोदी को जब संसदीय दल का नेता चुना गया था तो उन्होंने अपने सांसदों से मंत्री पद के लिए फोन आने पर सावधान रहने को कहा था। सांसद सुबह से ही पीएमओ की तरफ से अपने फोन की घंटी बजने और अच्छी खबर आने का इंतजार कर रहे थे। शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी अपने नए मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा करने वाले थे। इसके बाद सुबह 8:45 के बाद सांसदों को फोन जाने लगा। एनडीए गठबंधन में शामिल जयंत चौधरी और जीतन राम मांझी को फोन आने की खबर सामने आई है। इसके बाद पिछली सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी फोन गया। सुबह 10:05 पर अमित शाह के आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जीतन राम मांझी पहुंचे। पीएम आवास पर चाय पर चर्चा के लिए सांसदों का सुबह 11:30 से आना शुरू हो गया। बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अजय टमटा, अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान, राव इंद्रजीत, किरेन रिजिजू, जितिन प्रसाद, एचडी कुमार स्वामी, मनोहर लाल खट्टर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नित्यानंद राय, जीतन राम मांझी, अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, शिवराज सिंह चौहान, पंकज चौधरी, रवनीत बिट्टू, मनसुख मांडविया, हरदीप सिंह पुरी के अलावा दूसरे नेता मौजूद रहे। पीएम ने सरकार गठन पर चर्चा की। शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन भव्य तरीके से सजाया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, पैरा मिलिट्री की 5 कंपनियां तैनात की गई है, 500 सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। शपथ ग्रहण में पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोरों से चल रही है। 7 देशों से मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। देश से लेकर दुनिया भर की निगाहें नरेंद्र मोदी पर लगी हुई हैं। अब ये देखना है कि प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी कौन से बड़े फैसले लेते हैं। जून को शपथ मोदी 3.4। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद एक चीज जो तय हो गई वो ये कि एनडीए ही तीसरी मरतबा सरकार बनाने जा रही।